नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा गठबंधन, सपा गठबंधन, कांग्रेस और बसपा के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। हालांकि पार्टियां अभी प्रत्याशियों के चयन में जुटी हैं। एआरआई न्यूज विधानसभा वार संभावित प्रत्याशियों के साक्षात्कार के साथ ही उनके विकास के एजेंडे को दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे देवरिया जिले की भाटपा रानी विधानसभा, जहां 3 मार्च को मतदान होना है। यहां से राजकुमार शाही ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी की है। राजकुमार शाही कहते हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया और वो भाटपा रानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते तो वो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। राजकुमार शाही के बारे में बता दें कि वो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ ही पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। वहीं भाटपा रानी विधानसभा क्षेत्र के 2017 के नतीजों की बात करें तो यहां से सपा के आशुतोष ने भाजपा के जयनाथ कुशवाहा को हराया था। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार, एआरआई न्यूज में स्वागत है आपका। आज हम देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे विधानसभा चुनाव जोरों तरह से तैयारी चल रही है। 340 में हम पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने यहाँ पे अपना नाम बताएं। राजकुमार शाही। जी जी, राजकुमार शाही। अपनी दावेदारी पेश किया हूँ। अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। जी जी, भारतीय जनता पार्टी जब घोषित करेगी तब मैं प्रत्याशी बनूंगा, या जिसको देगी उसका प्रचार करूंगा। जी जी, अभी आपके विधानसभा 340 में क्षेत्र संख्या में किस तरह से विकास करने का उद्देश्य क्या रहेगा? पहले तो टिकट मिलेगा, चुनाव जीतूंगा तब मेरी योजना होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार चली है, केंद्र की सरकार 7 साल चलते हुए हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के सरकार में कार्यकाल में इस क्षेत्र में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है। 18 घंटे सबको बिजली मिल रही है, सड़कों का 2 लेन का जाल बिछा हुआ है, ये गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त में वितरित सरकार करा रही है, किसान सम्मान निधि उनके खाते में आ रहा है, ये हर गरीबों को शौचालय मिला है, हर गरीबों को आवास मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में बहुत से काम किए हैं, सारा गुंडा राज, माफिया राज को समाप्त किया है इस 5 साल के कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी से अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं अपने हिसाब से जहां भी काम अछूता रह गया है, बहुत जगह ऐसे हैं जहां ग्रामीण सड़कें नहीं बनी हैं, बिजली व्यवस्था तो बिल्कुल करीब करीब सुचारू रूप से ठीक हो गया है, फिर भी बिजली के क्षेत्र में भी कुछ काम जो शेष रह गए हैं उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा और जनता की नज़रों में खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। अभी कोरोना जैसी महामारी बीमारी में आपके विधानसभा क्षेत्र संख्या 340 में किस तरह से लोगों के प्रति समझाने का प्रयास करेंगे? नहीं, कोरोना तो 2 साल से महामारी चल रही है। ये 2 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से सावधानी बरती, विशेषकर पूरे देश में उत्तर प्रदेश जहाँ जनसंख्या की आबादी सबसे अधिक है, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से काम किया और हम कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी किया, उस जो पलायन करके जो प्रवासी मजदूर बाहर से आते थे उनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा भी होता था, हम कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हम उनको रोक करके उनके भोजन की व्यवस्था करना, पुनः टीकाकरण के लिए सबको प्रेरित करना ताकि सब लोग वैक्सीनेशन सबका हो जाए ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। इस महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहन के चलें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और जो टीका नहीं ले पाए हैं वो अपना टीका लें। निश्चित कोरोना पर प्रभावी कदम ये रहेगा। अभी मैंने अभी तक मानी जो हम लोग टिकट की बात कर रहे हैं, अगर टिकट मिल जाता है तो किस तरह से हम लोग अपने जनता के प्रति बढ़ाव देने का काम करेंगे? नहीं, कोरोना में तो देखिए टिकट मिले ना मिले ये विषय पार्टी का है, पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देगी। जी जी, हम जो भी चुनाव यहाँ जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आने वाली है, निश्चित 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीटें आएंगी, और आने के बाद जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है निरंतर चलता रहेगा। कोरोना महामारी पर नियंत्रण कोई हम डॉक्टर नहीं है कि हम उसमें करने जाएं, लेकिन फिर भी जितनी सावधानी डॉक्टरों के द्वारा बताई जा रही है हम जनता को प्रेरित करके उनको सावधानी बरत करके उनको वैक्सीनेशन करा करके हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे। औकी पर जानता ने अगर आशीर्वाद देकर, अगर टिकट मिल जाती है, अगर फिल्म में हम लोग उतर जाता है, जानता ने आशीर्वाद देकर अगर माला पहनाने का काम करेगी तो किस तरह से जनता के प्रति हम लोग सेवा देने का काम करेंगे? नहीं, जनता अगर आशीर्वाद देती है, मैं विधायक बनता हूँ तो निश्चित ही मैं यह जरूर करूँगा कि उनकी जो मेरे प्रति धारणा है उस धारणा पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। विधायक बनने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ऐसे
एसेट्स मिल जाएंगे कि मैं एक ही बार में 100 सालों का काम कर दूं, क्योंकि 5 साल में बिल्कुल क्या कहते हैं वो, हम अपने तरीके से ये बताने का प्रयास करूंगा कि विधायकी ऐसे भी की जा सकती है। ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करूंगा, जनता के दुख दर्द में कम आऊँगा और जनता के लिए जो भी हो सकता है जन सुविधा के लिए सरकार से दौड़ कर भाग दौड़ करके यहाँ योजनाओं को लाने का प्रयास करूँगा।